मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतर जिला वाहन लुटेरा गिरोह का सरगना बिट्टू सहित चार लुटेरे को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बताते चले कि वरीय अधिकारी के आदेश पर गठित विशेष टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र में फिर से अपराध की योजना बनाने के दौरान चार अपराधियों को गिरफ्तार किया, साथ ही मौके से तीन लूटी हुई बाइक को भी बरामद किया गया है। इस मामले में एसएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि जिले के कई थाना क्षेत्र में वाहन लूट के मामले में ये शातिर फरार चल रहे थे, वही गिरफ्तार अपराधी दूसरे जिले तक बाइक मोबाइल की लूट और छिनताई जैसी वारदात को अंजाम देते थे और अन्य जिलों में भी इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। बताया जा रहा है कि जिला के कई थाना क्षेत्र में मोबाइल और बाइक की लगातार लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी के खिलाफ में बनी विशेष टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन लुटेरा गिरोह का एक सरगना को पुलिस ने खुलासा किया है। जो तस्वीरें जो है अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पे देख सकते हैं चार शातिर बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है और देख सकते हैं काफ़ी दिनों से जो है इसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रहे थे। इसी कड़ी में बहुत बड़ी खुलासा जो है पुलिस ने किया है। दिनांक 5/9/2023 को अहियापुर थाने पे सूचना मिली कि शाम को 7:30 बजे के आसपास एसकेएमसीएच वाले रोड पे तीन अज्ञात अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति की गाड़ी को छीन लिया गया है और तीनों लोगों के द्वारा चाकू दिखा करके घटना को कारित किया गया था। तो इसी सूचना का सत्यापन के दौरान में टीम का गठन किया गया और गठन के बाद में जो अज्ञात अपराधी थे उनकी छापेमारी के लिए अलग अलग जगह पर रेड की गई। रेड के दौरान में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक का नाम बिट्टू है, एक का नाम दिलकश है, एक अपराधी उनमें से रोशन है और एक अपराधी पंकज है और पांचवा एक और आदमी है जिसका नाम छोटू है। इन चारों को जब पकड़ा गया और पकड़ने के दौरान में इनसे पूछताछ की गई तो इसमें एक चीज़ सामने आई कि इन लोगों के द्वारा अलग अलग जगह पर लूटपाट छीनने का चोरी का गाड़ियों का काम किया जाता है और काफ़ी टाइम से गैंग एक्टिव है। इन्होंने कुछ टाइम पहले गायघाट में भी एक अपाचे गाड़ी थी जिसको छीना था, उसके बाद में इन्होंने बोचा से भी एक गाड़ी थी जिसको इन्होंने चोरी किया था, फिर इन्होंने एसकेएमसीएच से गाड़ी को छीना है। बीच में भी इन्होंने अहियापुर में कई सारे मोबाइल लूटने वाले या फिर पैसा छीनने वाली घटनाएं जिसको इन्होंने कारित किया है। अनुसंधान के क्रम में और छापेमारी के दौरान में हम लोगों ने तीन गाड़ियों को रिकवर किया है जो बोचा से चुराई गई थी, गायघाट से छीनी गई थी और एसकेएमसीएच से छीनी गई थी। इसके अलावा और भी कई सारे चीज़ें हैं जिस पे इनको इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो पता लगा कि इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं जो पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। लोकल रहने वाले हैं या बाहर के हैं? ये सब गायघाट के रहने वाले हैं, गायघाट का ज़्यादातर आदमी गायघाट का रहने वाला है, लेकिन इनका किसी का रिश्तेदारी या फिर कोई ना कोई आदमी अहियापुर में या फिर आसपास नगर अनुमंडल क्षेत्र में रहता है। गिरोह वगैरह भी चलता है क्या इनका? हाँ, ये पांच लोगों का है, ये पांच लोगों का मेनली गिरोह है जो इसी चीज़ में स्पेशली मोबाइल गाड़ी को छीनना और गाड़ी की चोरी करने में एक्टिव है। तरीका क्या होता था लूटने का या छीनने का, कैसे? मेनली ये लोग चाकू दिखा करके छीनते थे। सरगना में सर कौन है इन चारों में से? इनका सरगना में एक दिलकश है और बिट्टू है जो मेन आदमी है। बरामद की तीन मोटरसाइकिल अभी बरामद की है हमने, जिनमें से तीनों मोटरसाइकिल एक अभी जैसा भी बताया था आपको कि बोचा से चोरी हुआ था, एक लूटा गया था गायघाट से और एक लूट हुई थी अहियापुर से, तीनों हमने रिकवर किया है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।